देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एड इन पेयर विथ थायमीन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एड इन पेयर विथ थायमीन थ्रू वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड एड इन पेयर विथ थायमीन थ्रू थ्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड एड इन डज नॉट पेयर विथ थायमीन। ओके, देखो बच्चों, अगर अपन एक स्ट्रक्चर देखते हैं अपन, लाइक एड इन की स्ट्रक्चर देखें अपन, तो देखो बच्चों एड इन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये देखो ऐसे एड इन की स्ट्रक्चर होती है, ये एक प्यूरिन रिंग के स्ट्रक्चर है, ठीक है। बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहे अपन, तो आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ ये। और इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे होता है नाइट्रोजन, यहाँ होता है नाइट्रोजन, यहाँ होता है नाइट्रोजन, ठीक है। सी 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 एन सी एन, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन होता है एन, यहाँ पे होता है कार्बन सी एन एन, ये आपकी एडेनिन की स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एन एच टू मॉलिक्यूल दे देता हूँ, एन एच एंड यहाँ पे एच, एन एच टू मॉलिक्यूल है, ये एक एडेनिन के स्ट्रक्चर है। बच्चों हम देखना चाह रहे हैं कि एडेनिन अगर पेयरिंग कर रहा है थायमिन के साथ में, तो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। एज वेल एज अगर एक थायमिन के स्ट्रक्चर देखे बच्चों, तो इस थायमिन के स्ट्रक्चर क्या होती है, ये देखो थायमिन जस्ट लाइक यूरेसिल होता है, बस इसके अंदर क्या होता है, एक मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी थायमिन के स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे भी अगर देखिए, तो यहाँ पे भी क्या होता है, कार्बन सी 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 एन सी एन एन, ऐसे स्ट्रक्चर होती है। अब बच्चों अपन क्या देखने जा रहे हैं, हम क्या देखने जा रहे हैं कि अगर मैं इस, ये तो मैंने बनाया है एडेनाइन, ये क्या बनाया है मैंने, एडेनाइन, और ये मैंने क्या बनाया है बच्चों, थायमिन। अब मेरे को क्या देखना है कि अगर ये पेयरिंग करते हैं, तो क्या पेयरिंग कर पाएंगे, कैसे पेयरिंग करेंगे। मैं इस थायमिन की उल्टी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे, लाइक अगर उल्टी स्ट्रक्चर मतलब कि देखो ये, ये देखो यहाँ पे सी 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 है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ, सी 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 एन सी एंड एन, और यहाँ पे होता है एक एच, एन एच ग्रुप होता है, ठीक है। एंड हमें पता ही है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मैंने उल्टा बनाया है इसको, ठीक है, मिरर इमेज में बनाया है, एन सी एच थ्री, यहाँ पे सी डबल बोन्ड ओ यहाँ पर होगा, और एक यहाँ पर क्या होगा, सी डबल बोन्ड ओ, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखो सी 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 एन सी एन, अब देखो बच्चों अगर ये अपना स्ट्रक्चर किसकी, थायमिन की स्ट्रक्चर है, एंड ये अपनी आयरन की स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं कि बॉन्डिंग बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, देखो ये ऑक्सीजन होता है ना, ये ऑक्सीजन पेयरिंग कर रहा है इस अमाइनो ग्रुप के साथ में, ठीक है। एंड ये एन एच ग्रुप आपकी पेयरिंग कर रहा है किसके साथ में, ये किसके साथ में कर रहा है, इस नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों, लाइक अपन देख रहे हैं, तो ये बॉन्ड क्या, यहाँ पे ये देखो, एक तो एन एच और एन एंड सी सी ओ एंड एन एच, इनके बीच में बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड बने हैं, कितने बॉन्ड बने हैं, दो बॉन्ड बने हैं, और ये बॉन्ड कौन से है बच्चों, ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बनाए हैं हमने, ये बनाए हैं हमने क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, तभी मैंने इसको डॉट डॉट करके बनाया था, ताकि क्योंकि बताया विकेस्ट बॉन्ड है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, दो बॉन्ड बन गए, तो एडेनिन थायमिन के साथ पेयरिंग कर रहा है दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों ये रहा, ठीक है। तो एकदम इजीली डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि एडेनिन ने थायमिन के साथ में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में पेयरिंग करी है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन भी ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, एडेनिन पेयर विद थायमिन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन पेयरिंग कर रहा है थायमिन के साथ में दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में, ए स्टेटमेंट इज ए करेक्ट। एडेनिन बी क्या बोल रहा है कि इसने ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में करी है पेयरिंग, बिल्कुल रॉन्ग है, थ्री हाइड्रोजन पेयरिंग भी नहीं हो रही है। देखो यहाँ पे बोला वन, यहाँ बोला थ्री, ये भी रॉन्ग हो गया, ये बोला कि पेयरिंग ही नहीं करता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सो करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर, एडेनिन पेयर विद थायमिन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आया समझ में, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए, आर जो प्यूरिन है डीएनए एंड आरएनए के अंदर जो मिलते हैं वो क्या है। ओके बच्चों अपन देख लेते हैं एक बार, देखो बच्चों जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ना आपके, नाइट्रोजिनस जो बेसेस है आपके, उनको आपने दो टाइप में डिवाइड कर रखा है, जो बेस है लाइक प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन, किसके अंदर, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स,
प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। जो प्यूरिन्स होते हैं वो अपन बोलते हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है प्यूरिन्स, ठीक है। एंड पाइरिमिडिन अगर अपन देखिए तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आपके पास, ठीक है। अब बच्चों प्यूरिन्स के अंदर भी हमने दो टाइप में डिवाइड कर रखी है, एक तो है आपका एडेनाइन, एडेनाइन, और एक होता है आपका क्या, गुआनाइन। तो अगर एडेनाइन एंड गुआनाइन की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसे कुछ नहीं, बस आपको पहले तो ये आपको नाइट्रोजनस बेस, जो अपन नॉर्मल जो रिंग की स्ट्रक्चर बनाई थी ना, कि रिंग की स्ट्रक्चर बनानी है आपको, डबल रिंग बनानी है। एंड यहाँ पे बस आपको इस पोजीशन पे, सिक्स पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एडेनाइन, ये स्ट्रक्चर हमारी एडेनाइन हो गई। अगर आपको गुआनाइन की स्ट्रक्चर देखनी है तो गुआनाइन के स्ट्रक्चर में बच्चों कुछ नहीं है, वापस आपको ऐसे की ऐसे नॉर्मल रिंग बनानी है। यहाँ पे इस पोजीशन पर ऑक्सीजन एंड यहाँ पर क्या करना है आपको, एक तरह से अमाइनो ग्रुप ऐड कर देना है, बस ये आपका गुआनिन हो गया। लाइक अगर इसी क्वेश्चन से अपन थोड़ा बहुत ये भी देख लेते हैं कि पाइरिमिडिन को भी आपने तीन टाइप में डिवाइड किया है, लाइक यूरेसिल, देन आपका क्या हो गया थाइमिन, एंड एक आपका क्या हो गया साइटोसिन, साइटोसिन। तो थाइमिन, यूरेसिल एंड आपका क्या है साइटोसिन, ये आपके क्या हो गए पाइरिमिडिन हो गए। यूरेसिल के स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, यूरेसिल में अगर आपको क्या है फोर एंड टू पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन, फोर एंड टू, वन टू थ्री एंड फोर, अगर पोजीशन देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, तो फोर एंड टू पोजीशन पे ऑक्सीजन ऐड करना है तो आप बोलोगे यूरेसिल की स्ट्रक्चर है। थाइमिन की स्ट्रक्चर यूरेसिल की जैसे ही देखने को मिलेगी बच्चों, लाइक देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दे दिया, सेम टू सेम यूरेसिल ये, बस मैं फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, बस इतना सा चेंजेस है। साइटोसिन के स्ट्रक्चर भी आपको यूरेसिल की जैसे देखने को मिलेगी, बस आपका क्या होता है यहाँ पे ट्रांस अमाइनेशन हो जाता है, अमाइनो ग्रुप आ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन की जगह अमाइनो ग्रुप आता है तो वो साइटोसिन बन जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ने यह बोला कि प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर, तो प्यूरिन है, प्यूरिन की बात की जा रही ना बच्चों, तो प्यूरिन क्या था, एडेनिन एंड गुआनिन, तो साइटोसिन आ गया एंड थाइमिन, ये क्या हो गया साइटोसिन एंड थाइमिन इज अ पाइरिमिडिन, ये क्या हो गए पाइरिमिडिन हो गए, तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। एडेनिन एंड थाइमिन, तो यहाँ पे एडेनिन तो प्यूरिन है बट थाइमिन की बात की जाए तो ये पाइरिमिडिन हो गया, ठीक है। एडेनिन एंड गुआनिन, सी देखो सी क्या बोल रहा है, एडेनिन एंड गुआनिन, सी इज अ करेक्ट आंसर, एडेनिन एंड गुआनिन आर प्यूरिन एंड गुआनिन इन साइटोसिन, तो ये भी रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी, ठीक है, कि आपका एडेनिन एंड गुआनिन आर ए प्यूरिन, बट अगर हम देखते हैं कि यूरेसिल थाइमिन एंड साइटोसिन आर पाइरिमिडिन, ओके, सो सी इज अ करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन एच वन विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट डेट, ओके बच्चों देखो यहाँ पे क्या बोल के जा रहे हैं कि अगर अपन बात कर रहे हैं बच्चों, ये हमारा एक तरह से हम देखेंगे अपना डीएनए नॉर्मल फॉर्म में डीएनए, ठीक है, आप ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हो डीएनए को, आप ऐसे भी बना सकते हो डीएनए को। अब देखो बच्चों क्या होता है कि अगर अपन नॉर्मल देखते हैं ना सेल साइकिल, लाइक अपन ये सेल साइकिल देखें तो सेल साइकिल में हमारे क्या होती है जीवन फेज, सेल साइकिल में क्या देखने को मिलेगी G1, देन आपको देखने को मिलेगी G1 एस एंड देन G2 फेज, एंड देन आपको पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बच्चे जो फेज होती है वो होती है आपकी माइटोटिक फेज, जिसको आप बोलते हो एम फेज, एंड रिमेनिंग जो आपकी फेज है, ये आपकी जो फेज है रिमेनिंग, ये आपकी क्या होती है जो लॉन्ग फेज होती है, इसको आप बोलते हो इंटरफेज। क्या बोलते हो बच्चों, इंटरफेज। इंटरफेज में बच्चों क्या होता है, आपको नॉर्मल हम क्या देखेंगे, हमें क्या देखने को मिलेगी, क्रोमेटिन देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, क्रोमेटिन देखने को मिलती है। क्रोमेटिन क्या होता है, अगर अपन देखें डीएनए प्लस में प्रोटीन को बोलते हैं हम, क्रोमेटिन में क्या क्या होता है, डीएनए एंड प्रोटीन होते हैं, ठीक है, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन, ठीक है। अगर डीएनए से प्रोटीन बाइंडेड फॉर्म में है तो हम बोल देंगे क्या, क्रोमेटिन। तो प्रोटीन कौन सी हो सकती है, हमारी हिस्टोन प्रोटीन होती है बच्चों। प्रोटीन कौन सी है, लाइक अगर मैं बना देता हूँ, प्रोटीन होती है हमारी H1 प्रोटीन हो गया, हमारी क्या हो गई H2A प्रोटीन हो गई, अपनी H2B प्रोटीन हो गई, H2B, H3 प्रोटीन एंड H4 प्रोटीन, ये हमारी क्या होती है हिस्टोन प्रोटीन होती है, जो कि बेस अगर आप देखिए पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन होती है हमारी, ठीक है, बेसिक का माइनस एट बोल सकते हैं अपन एक तरह से। अब देखो बच्चों यहाँ पे, ठीक है, लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होती है, लिखे तो यहाँ पे लाइसिन एंड
आर्जिनिन रिच होती है बच्चों, ठीक है। अब डीएनए प्लस में प्रोटीन को हमने बोला क्रोमेटिन, तो हमारे को अगर देखा जाए बच्चों इंटरफेज में क्या देखने को मिल रही है, हमारे को क्रोमेटिन देखने को मिल रही है। एंड एम फेज में क्या होता है, हमें पता है कि पैकेजिंग स्टार्ट होती है, देन हमारे को यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, क्रोमेटिन की पैकेजिंग। लाइक हम देखते हैं ना प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन किसका हो रहा है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, पैकेजिंग होगी, देन मेटाफेज में हमारे को क्रोमोजोम देखने को मिलते हैं। तभी तो कहते हैं कि विजिबल आपको क्रोमोजोम कहाँ विजिबल होंगे, क्रोमोजोम विजिबल होते हैं मेटाफेज के ऊपर, ठीक है। देन एनाफेज में अपोजिट पोल पर चल जाते हैं, टीलोफेज के अंदर जो अपने प्रोफेज में न्यूक्लियर जो एनवलप थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपके जो गोल्जी अपार्टस है, जो डिसअपीयर होते हैं वो वापस से ऑर्गेनाइज वापस से रीअपेयर हो जाते हैं टीलोफेज में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इन्होंने ये बोला कि द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन वन एच वन प्रोटीन विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट दैट। तो बच्चों अगर अपन देखें कि ये एक पर्टिकुलर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक तरह से न्यूक्लियोसोम है, ये क्या है न्यूक्लियोसोम है, ये मैंने एक प्रोटीन बनाई, इसको अपन कैसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, गोल भी कर सकते हैं एंड दोनों ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, दो न्यूक्लियोसोम मैंने बनाए। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं बच्चों कि आपके डीएनए की क्या हो रही है एक तरह से, ये देखो ये पैकेजिंग हो रही है, डीएनए क्या हो रहा है पैक्ड हो रहा है यहाँ पे। अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए क्या हो रहा है बच्चों, डीएनए पैक्ड हो रहा है। तो ये डीएनए की जो पैकेजिंग आपको देखने को मिल रही है, और यहाँ पे हम देखें कि ये एक पर्टिकुलर ये स्ट्रक्चर क्या है आपकी, ये है आपका न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड इस न्यूक्लियोसोम के साथ में यहाँ पर एक और प्रोटीन अटैच है, इस प्रोटीन का नाम है एच वन प्रोटीन, क्या नाम है एच वन प्रोटीन, अगर अटैच होती है इसको हम बोलते हैं क्रोमेटासोम, ठीक है। एक तरह से हमने बोला यहाँ पे एच वन प्रोटीन है, और इस न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, अगर अपन देखते हैं यहाँ पे एक ऑक्टामर बना हुआ है, क्या बना हुआ है ऑक्टामर बना हुआ है। तो ऑक्टामर किसका बना हुआ है यहाँ पे, एक तरह से देखिए बच्चों यहाँ पे कौन कौन सी प्रोटीन देखने को मिलेगी, एच टू ए, ठीक है, एच टू बी, एच थ्री, एंड अगर अपन देखें बच्चों यहाँ पे एच फोर। तो इन दोनों की अगर इसको देखा तो यहाँ इसकी भी दो सब यूनिट होती है, इसकी भी दो सब यूनिट होगी, इसकी भी दो सब यूनिट होगी, इसकी भी दो सब यूनिट होगी, तो हम बोलेंगे दो दो चार दो छः दो आठ, मतलब एट सब यूनिट यहाँ पे, एट को हम क्या बोलेंगे ऑक्टामर फॉर्म करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी हिस्टोन ऑक्टामर बना के बैठी हुई है, लाइक अपन बोल सकते हैं यहाँ पे एच टू ए है, ये एच टू बी है, एच थ्री एंड एच फोर, लाइक यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं एच टू ए, एच टू बी, एच थ्री एंड एच फोर, ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी देखने को मिलेगी ये प्रोटीन्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, लाइक अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक तरह से कहाँ काम आ रहे हैं, क्या ये क्रोमेटिन की पैकेजिंग हो रही है यहाँ पे, कंडेंसेशन हो रहा है यहाँ पे, क्या हम ये देख सकते हैं कि आपका जो डीएनए है, अगर हम डीएनए देखते हैं 3 × 10⁻⁹ हैप्लोइड अगर देखे तो, डिप्लोइड में इसको मल्टीप्लाई करते तो 2 से, ठीक है। तो हमारा जो डीएनए ह्यूमन डीएनए हम देखे तो 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का है, तो बच्चों इतना बड़ा डीएनए, इतना बड़ा डीएनए अगर हम देखे 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर का, बहुत बड़ा डीएनए हमारी एक छोटी सी बॉडी के अंदर फिट होके बैठा हुआ है, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इतना सारा डीएनए एक छोटी सी बॉडी के अंदर फिट होके बैठा हुआ है। तो वह फिट कैसे हुआ, तो उसमें हमने क्या बोला, हमने बोला कि वहां पे हमारे डीएनए की क्या हुई थी, पैकेजिंग हुई थी, फोल्ड होके बैठा हुआ एक पर्टिकुलर, लाइक अगर मैं एक थ्रेड थ्रेड देखूँ, लाइक अगर मैं बच्चों एक आपको फॉर एग्जाम्पल मैं देखूँ, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये क्या है एक तरह से अगर अपन बात करें, ये एक क्या है वायर है, कितना बड़ा वायर है, बहुत बड़ा वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, ठीक है। अब ये वायर क्या है, ये मैं आप मान लो कि ये जस्ट लाइक डीएनए, ये क्या है डीएनए है। अब ये डीएनए अगर अपन देखे तो अगर मेरे को इसको एक पर्टिकुलर जगह पे मेरे को इसको पैक करना हो तो मैं पैक नहीं कर सकता, कैसे अगर देखूँ तो कैसे करूँ, यहाँ पे देखो ये एक अगर न्यू न्यू पड़ा हुआ है तो कैसे रखेंगे अपन, तो अगर मैं इसको अगर फोल्ड करके रखूँ एक छोटी सी जगह पे मेरे को इसको रखना है तो मैं क्या करूँगा, इसको इसको पैक कर दूंगा, देखो एक फोल्ड दो फोल्ड, ठीक है, दो फोल्ड ले लिए, वन फोल्ड हो गया, ठीक है, ये दो टू फोल्ड हो गया, ये थ्री फोल्ड हो गया, ये फोर्थ फोल्ड हो गया, फिफ्थ फोल्ड हो गया, तो ऐसे फोल्डिंग करके एक छोटी सी जगह में इसको मैं रख सकता हूँ, हाँ पैक कर सकता हूँ, अगर एक छोटी सी जगह में इसको पैक कर सकता है, इसको पैकेजिंग फोर्थ फोल्ड और पैक कर सकता हूँ सिक्स फोल्ड, तो
ऐसे ही क्या होता है, हमारा जो डीएनए होता है ना वो भी पैक्ड फॉर्म में बैठा हुआ है, किसके अंदर? न्यूक्लियोसोम के अंदर। ठीक है, हम देखेंगे। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या है, अगर अपन देखें तो न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, ऑक्टामर फॉर्म करके बैठी हुई है प्रोटीन्स, H2A, H2B, H3, H4। ये हमारा जो डीएनए है, ये जो डीएनए है अंदर, ये डीएनए होता है कोर डीएनए। ये कौन सा डीएनए होता है, कोर डीएनए। और आपका कोर डीएनए से कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, कोर डीएनए से जो प्रोटीन बाइंड करके बैठी होती है वो H2A, H2B, H3 एंड H4। और जो बाहर डीएनए जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये होता है लिंकर डीएनए। कौन सा डीएनए होता है बच्चों, लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए से कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, H1 प्रोटीन। कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, H1 प्रोटीन बाइंड करके बैठे हुई है। ठीक है, एंड ये क्या करके जा रहे हैं, हमारे डीएनए की पैकेजिंग करते हैं एक तरह से, या हम बोले क्रोमेटिन की एक तरह से पैकेजिंग करेंगे। क्योंकि हमारा क्या है डीएनए, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा डीएनए क्या है, क्रोमेटिन फॉर्म में है, लूज फॉर्म में है। तभी तो हम देखते हैं कि जीवन के अंदर आपको अगर कोई पर्टिकुलर एक सेल है, जीवन के अंदर एक पर्टिकुलर सेल है, यहाँ पर डीएनए है इसका, तो इसका क्या हो सकता है, आपका आरएनए फॉर्मेशन कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, यहाँ पे आप प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकते हो। प्रोटीन मतलब यहाँ पे हम ट्रांसलेशन देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड के बने हुए हैं, तो अमाइनो एसिड फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, एंजाइम फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलेगा बच्चों आपको। तो ये क्रोमेटिन के अंदर ये मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है। ठीक है, एस फेज के अंदर पर्टिकुलर आपको डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन लूज फॉर्म है, तभी तो यहाँ पे हमारे एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज लूज फॉर्म में इसलिए बाइंड कर सकते हैं। कंडेंस फॉर्म में उनको दिखेगा ही नहीं, उनकी साइट ही नहीं दिखेगी। ठीक है, सेम टू सेम आपके G2 फेज में भी आरएनए एंड प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे देखिए प्रोफेज के अंदर, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज, यहाँ पे क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में आ गई है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। माइटोटिक फेज में कभी भी आप सुनोगे ही नहीं कि माइटोटिक फेज वाले डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कंडेंस फॉर्म में बैठा हुआ है, वहाँ क्रोमेटिन नहीं है, वहाँ पे क्रोमोजोम है, कंडेंस फॉर्म में है पूरा। क्रोमेटिन आपका जो लूज फॉर्म में था, उस सबकी पैकेजिंग होके क्रोमोजोम फॉर्म में आ गया है, एक पर्टिकुलर डायमीटर में फिक्स है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन वन, एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन वन विथ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि कंडेंस फॉर्म में है, तो वहाँ पे आपको कंडेंस फॉर्म में डीएनए रेप्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, द डीएनए इज कंडेंस इन टू ए क्रोमेटिन फाइबर, डेफिनेटली आपका एक डीएनए क्या हो रहा है, डीएनए कंडेंस हो रहा है क्रोमेटिन फाइबर के अंदर। ठीक है, एज ए इन टू ए क्रोमेटिन फाइबर, ये भी एकदम सही बात है। द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, बिल्कुल रॉन्ग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि आपने क्या करा है, डीएनए को कंडेंस फॉर्म में लिया है हो एज ए क्रोमेटिन फॉर्म। तो हम क्या बोल सकते हैं ना कि आपका ये देखो, ये एक पर्टिकुलर अगर आप एक क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर देखते हो, क्रोमोजोम में बच्चों क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ये देखो, ये कंडेंस फॉर्म में आपके क्या है, डीएनए ही तो है बच्चों, ये क्या है, कंडेंस फॉर्म में है, ये देखो कंडेंस फॉर्म है, ये देखो। ठीक है, ये कंडेंस फॉर्म है, ये देखो कंडेंस फॉर्म में। अगर अपन क्या देखते हैं फिर, ऐसा नॉर्मल डायग्राम देखते हैं ना, ये देखो लूज फॉर्म के अंदर, ये देखो लूज फॉर्म के अंदर भी आप नॉर्मल देखते हो ना, ये देखो। तो ये तो क्या हो गया, ये तो देखो क्रोमेटिन हो गया, ये तो क्या हो गया, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, और यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में, यहाँ पे क्या है, कंडेंस फॉर्म में है डीएनए। तो यहाँ पे एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हाँ डीएनए की पैकेजिंग हो रही है, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, डीएनए की एक तरह से पैकेजिंग हो रही है यहाँ पे, ये देखो ये पैकेजिंग हो रही है डीएनए। ठीक है, यहाँ पे आपके जो प्रोटीन बाइंडेड फॉर्म के अंदर होंगी, यहाँ पे आपके ये क्या हो रही है, प्रोटीन बाइंडेड फॉर्म के अंदर है, तो ये प्रोटीन, ये क्या है, ये आपके जो दिखते हैं यहाँ पे, ये लाइक गोल गोल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपकी, ये न्यूक्लियोसोम ही है बच्चों। इसको ऐसे प्रेजेंट कर दो या ऐसे कर दो, एक ही बात है। तो ये डायग्राम आपके बुक में ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कंडेंस फॉर्म में करके इसकी एक पैकेजिंग कर रहे हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सी अर्चिन डीएनए व्हिच इज डबल स्ट्रैंडेड 17% ऑफ बेस वर शोन टू साइटोसिन। यहाँ पे जो 17% जो बेस बता रखा है इन्होंने, इन्होंने डिटेल क्या दिया, 17% बेस किसका है आपके, बेसिस क्या है आपके, साइटोसिन है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ द अदर थ्री बेसेस एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन द डीएनए आर। तो इन्होंने बोला है कि इन्होंने साइटोसिन का 20% बता दिया कि 17% आपका डीएनए है
मैं आपके क्या है साइटोसिन है, तो रिमेनिंग थ्री जो बेसिस आपके बचते हैं गुआनिन एडिनिन एंड थायमिन का परसेंटेज बताओ कितना होगा। तो देखो बच्चों अगर अपन देखते हैं यहाँ पे तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू चार गाफ रूल्स एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन एंड गुआनाइन इज इक्वल टू साइटोसाइन। ये हमें पता था अकॉर्डिंग टू चार ग्राफ रूल के हिसाब से। क्यों पता था? क्योंकि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर डीएनए के अंदर अगर अपन बात करें इस डीएनए के अंदर अगर एडेनिन यहाँ पर है तो एडेनिन पेयर कर लेते हैं किसके साथ में, थाइमिन के साथ में। तो जितना एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे क्योंकि एडेनिन एंड थाइमिन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे। एंड गुआनिन जितने होंगे क्योंकि गुआनिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं साइटोसिन के साथ में, तो उतने साइटोसिन होंगे। या मैं बोलूँ कि इस स्टैंड में जितने थाइमिन हैं अपन देखे, थाइमिन और एडेनिन देखो इक्वल ही यहाँ पे अभी अगर देखा तो, और देखा जाए तो साइटोसिन अगर देखे तो ये देखो गुआनिन, क्योंकि पेयरिंग कर रहे हैं आपस में बच्चों, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड के अंदर हम देखेंगे अगर एक डीएनए अकॉर्डिंग टू चार का प्रूफ, अगर डीएनए में हम देख रहे हैं जितना एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, जितने थाइमिन होंगे उतने ही एडेनिन है, जितने गुआनिन है उतने ही साइटोसिन है, एक ही बात है। तो इन्होंने क्या बोला कि इन सी अर्चिन डीएनए विच डबल स्ट्रैंडेड 17% ऑफ द बेस आर शोन इन साइटोसिन। मतलब यहाँ पे हम बोले कि इस डीएनए में अगर अपन बोले कि अगर लाइक अपन माने कि 100 बेस पेयर का डीएनए, 100 बेस पेयर का डीएनए है जिसमें से 17% जिसमें से 100 बेस पेयर का आपका क्या है डीएनए है। अब इस डीएनए में से 17% तो आपके क्या है साइटोसिन है, तो हम बोलेंगे 17 मतलब 17 तो क्या हो गए आपके 100% का, अगर मैं 17 निकालता हूँ तो 17 तो आपके क्या हो गए साइटोसिन हो गए। तो 17 अगर साइटोसिन है तो 17 आपके जो साइटोसिन मॉलिक्यूल है 17 गुआनिन मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर लेंगे आपके पेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 17% अगर आपके परसेंटेज साइटोसिन है तो 17% ही आपका क्या हो जाएगा आपका गुआनिन हो जाएगा क्योंकि आपस में पेयरिंग करेंगे। तो अगर अपन देखें तो ये कितने टोटल अमाउंट दिखे साइटोसिन एंड गुआनिन का, तो 34% कौन कवर करके बैठा हुआ है गुआनिन एंड साइटोसिन कवर करके बैठे हुए हैं। तो रिमेनिंग कितने बचे बच्चों, रिमेनिंग आपके बचते हैं आपके 66% आपके क्या मिलेंगे एडेनिन एंड थाइमिन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगर अपन देखें कि एक की बात की जाए तो मैं क्या करके जाऊँगा कि 66 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा 33% यहाँ पे क्या हो जाएगा एडेनिन होंगे, ये पेयरिंग करेंगे थाइमिन के साथ में, तो थाइमिन भी आपके क्या है 33% है। मतलब यहाँ पे हम क्या बोलूँगा कि यहाँ पे 33% रिमेनिंग क्या बचेंगे आपके आपके एडेनिन, और ये पेयरिंग करेंगे 33% किससे थाइमिन के साथ में, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में। तो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पे जो गुआनाइन है गुआनाइन 17% ही होगा, एडेनिन 33% एंड थाइमिन भी 33, ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर यहाँ पे देखिए गुआनिन 8.5% ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। अगर यहाँ पे देखें कि गुआनिन 34% एडेनिन 20.24.5, तो ये हो अगर देखा जाए यहाँ पे तो सही आ ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे 17% यहाँ दे रखा है, यहाँ पे अपोजिटिव बोल रखा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया एंड ये भी रॉन्ग हो गया। सो ए इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको बस इतना सा देखना है, ध्यान रखना है कि अकॉर्डिंग टू चार का फ्रूट्स एडेनिन पेयरिंग विद करते हैं थाइमिन, तो एडेनिन जितने होंगे उतने थाइमिन होंगे, गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन। तो अगर एडेनिन आपका एक पर्टिकुलर साइटोसिन बता दिया, साइटोसिन उन्होंने बोल दिया कि 17 है, तो 17% आपके गुआनिन होंगे, 34% रिमेनिंग अगर अपन देखें रिमेनिंग आपके 66% आपके क्या होंगे रिमेनिंग 66% में आपके एडेनिन थाइमिन होंगे, तो ये इक्वल इक्वल आपस में बाइंडिंग करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 33 जो एडेनिन होंगे वो 33 थाइमिन के साथ में पेयरिंग कर रहे होंगे, तो एडेनिन 33 थाइमिन 33 एंड गुआनिन इज ए 17, ठीक है। सो अगर टोटल करोगे तो 100 हो जाएंगे, टोटल करोगे तो 100 हो जाएंगे। सो ए इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायग्राम शो एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द जेनेटिक एम्प्लीकेशन ऑफ डीएनए, फिल द ब्लैंक ए टू सी। ओके बच्चों देखो बच्चों एक साइंटिस्ट थे F.H.C. Crick, इन्होंने एक मॉडल दिया था सेंट्रल डोगमा बताया था उन्होंने। सेंट्रल डोगमा के में इन्होंने एक तरह से यूनिडायरेक्शनल
एक यूनिडायरेक्शनल मेथड बताया था कि आपका डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बन रही है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इसको थोड़ा समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक पिक्चर ही क्रिएट कर लेते हैं, लाइक एक पर्टिकुलर सेल बना लेते हैं अपन, एंड देन समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बच्चा हमें पता है एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा आपको, क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इस न्यूक्लियस के अंदर बच्चों हमें पता है कि हमारा डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट है। जब हम क्या करते हैं बच्चों, इस डीएनए का हम क्या करवाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, क्या करवाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से क्या बना लेते हैं हम, एमआरएनए, क्या बना लेते हैं डीएनए से, एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस से कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में, क्या है ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म। अब ये एमआरएनए क्या आएगा, ये एमआरएनए कहाँ आ रहा है, ये एमआरएनए आ रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड देन यहाँ पे इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन, क्या होगा बच्चों, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के टाइम पे क्या होता है, इस एमआरएनए के ऊपर कौन बाइंड करता है, राइबोसोम बाइंडिंग करेंगे, एंड राइबोसोम बाइंड करने के बाद ये क्या करके जाते हैं, एक तरह से ये करते हैं हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन, क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो मतलब हम देखते हैं कि यूनिडायरेक्शन वे के अंदर क्या बन रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि डीएनए, डीएनए कहाँ था, न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए से हमने क्या बना दिया, डीएनए से हमने बनाया एमआरएनए, और एमआरएनए बनाने को हमने क्या बोला, ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोला बच्चों हमने, ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन इस एमआरएनए से हमने क्या बना ली बच्चों, इस एमआरएनए से हमने बना ली है क्या, प्रोटीन। एंड प्रोटीन बनाने को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस प्रोटीन को बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे, एक तरह से ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। अब बच्चों ये बताओ कि ये प्रोटीन डीएनए से आरएनए, एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, एंड प्रोटीन ये जो कहानी है ये किसने बताई थी, ये हमारे बताई थी एफएचसी क्रिक ने, या हम बोल सकते हैं फ्रांसिस क्रिक ने बताई थी। तो ये और अपन इसके अंदर यहाँ पे देखिए नॉर्मली एक ये देखो एक फिनोमेना ऐसे भी देखने को मिलता है कि डीएनए से डीएनए ही बनाना है, तो डीएनए से डीएनए बनाने वाली कहानी बच्चे क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है, क्या होती है, रेप्लिकेशन। तो हमने इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सारा, इस क्वेश्चन के, इस मैप की रिगार्डिंग सारा हमने देख लिया है विद डायग्राम, अब देख लेते हैं बच्चों क्या है। ठीक है, तो हमने डीएनए से एमआरएनए बनाया, क्या बोला इसको, ट्रांसक्रिप्शन, ए इज ए ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसलेशन बोल रहा है, रॉन्ग कर दो इसको, ये ट्रांसक्रिप्शन बोल रहा है, सही बात है, ये ट्रांसलेशन बोल रहा है, ये भी रॉन्ग कर दो। ठीक है, देन हमने बोला कि डीएनए से एमआरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन, सही बात है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने को हमने बोला है ट्रांसलेशन, बी इज ए ट्रांसलेशन, यहाँ पे ट्रांसलेशन ही है बट यहाँ पे बोला है रेप्लिकेशन, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एंड सी हमारे को क्या आ रहा है कि ट्रांसलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बना दी, एंड प्रोटीन ये कहानी किसने बताई थी, एफएचसी क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक ने बताई थी, तो सी यहाँ पे आ गया, फ्रांसिस क्रिक। सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बच्चों, वह आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ए हो जाएगा। ये कब बताई थी इन्होंने, 1958 में बताया था, कब बताया था, 1958 में सेंट्रल डोगमा थ्योरी दी थी इन्होंने, जिसके थ्रू इन्होंने ये बोला था कि डीएनए से आरएनए बनाते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, डीएनए से जो आप एमआरएनए बना रहे हो उस प्रोसेस को आप बोलो ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से जो प्रोटीन बनाते हो उस प्रोसेस को आपने बोला है ट्रांसलेशन। ठीक है, एंड डीएनए से डीएनए बना लोगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, रेप्लिकेशन। आया बच्चों समझ में, सो ए इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीएनए एमआरएनए सी प्रपोज्ड बाय, आप देखो बच्चों यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, डीएनए एमआरएनए प्रोटीन एंड प्रपोज्ड बाय, ओके, द फिगर गिव्स एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ डीएनए, फील इन द ब्लैंक्स ए बी सी। ओके बच्चों, इसको समझने से पहले अपन एक छोटा सा डायग्राम समझ लेते हैं। ये एक पर्टिकुलर मैंने एक सेल बना दी है, इस सेल के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे कौन प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा डीएनए, एंड डीएनए क्या होता है, जब डीएनए का क्या होता है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन, क्या होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन
क्रिप्शन होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे हमें पता है डीएनए को कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज, एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने के बाद ये क्या बना देगा, डीएनए से क्या बनाएगा, एमआरएनए, क्या बना देगा, एमआरएनए, क्या हम बोल सकते हैं आरएनए, ठीक है। अब ये एमआरएनए क्या हुआ, ये बाहर आया कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, किससे, क्योंकि ये अंदर वाली जगह क्या थी, ये थी न्यूक्लियस, क्या थी बच्चों, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कहाँ आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कंपार्टमेंट क्या है, ये वाला बाहर वाला साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म में आने के बाद में ये देखो कौन, एमआरएनए, इस एमआरएनए इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, क्या होगा बच्चों, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन के टाइम पे बच्चों हमें पता है कि इस एमआरएनए से कौन बाइंड करता है, इस एमआरएनए से राइबोसोम बाइंडिंग करेगा। राइबोसोम बाइंडिंग करने के बाद क्या करता है, एक तरह से हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन मिल जाएगी हमारे को। तो हम क्या देख रहे हैं कि डीएनए से एमआरएनए बनाने को हम ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो क्या करेगा, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हमने वापस से इसको ऐसे देख लेते हैं कि डीएनए, डीएनए से हमने ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हमने क्या करवाया, ट्रांसक्रिप्शन करवाया, और हमने क्या क्या बना लिया, ट्रांसक्रिप्शन करके हमने बना लिया है क्या, एमआरएनए, हमने क्या बना लिया, एमआरएनए, एमआरएनए का हमने क्या करवाया बच्चों, एमआरएनए का हमने क्या करवाया, ट्रांसलेशन, क्या करवाया, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन करके हमने क्या बना लिया बच्चों, हमने बना ली है क्या, प्रोटीन, हमने बना लिया प्रोटीन। और ये जो थ्योरी थी, ये जो हाइपोथेसिस थी, ये किसने दी थी, ये इसके बारे में किसने बताया था, हमें बताया था एफएचसी क्रिक ने बताया था, फ्रांसिस क्रिक बोल सकते हैं हम, कब बताया था, 1958 में बताया था, और इस हाइपोथेसिस को हम उन्होंने बोला था सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा, ठीक है। सेंट्रल डोगमा में इन्होंने बोला था कि डीएनए से एमआरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन बोला जाता है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय, ये किसने बताया था, ये प्रपोज किया था किसने, क्रिक ने, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। एंड बच्चों यहाँ पे इस पूरे मॉडल को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों डीएनए से हम क्या बना सकते हैं, डीएनए से डीएनए भी बना सकते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन। तो हमने इस पर्टिकुलर पूरे छोटे से टॉपिक को हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिया है कि हाँ कैसे होता है, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या देखना है, आंसर देखने हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, ए हमारा प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक, तो यहाँ पे ए क्या है, मोरिस विल्किंस आ रहा है, तो ये रोंग हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या है, जेम्स वॉटसन, ये भी रोंग हो गया हमारा। यहाँ अरविंद चारगाफ, ये भी रोंग हो गया। तो ए इज ए फ्रांसिस क्रिक, डेफिनेटली ए इज ए फ्रांसिस क्रिक। अब यहाँ पे बी क्या है, बी क्या है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, सही बात है। एंड डीएनए से एमआरएनए बनाने को हम बोलेंगे सी इज ए ट्रांसक्रिप्शन। सो डी इज ए करेक्ट आंसर बच्चों, डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, ये देखो इजी डायग्राम था, न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, देन इसका ट्रांसलेशन होगा, एंड देन क्या बना लेगा, क्या बना लेगा बच्चों, ये हमारा बना लेगा एक तरह से प्रोटीन फॉर्मेशन कर लेगा। एंड ये प्रोटीन क्या है, प्रोटीन किस प्रोसेस के थ्रू बनी है, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू बनी है। सो यहाँ पे डी इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द स्ट्रक्चर कॉल्ड दैट गिव एन अपीयरेंस एज बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम्स व्हेन व्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके बच्चों यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, ऐसे कौन से स्ट्रक्चर आपको मिलती है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग जिसको हम बोल सकते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखते हैं क्रोमोजोम को। तो लाइक अगर अपन बात करें बच्चों कि एक तरह से हम एक सेल साइकिल की बात की जाए, तो हमें पता है कि सेल साइकिल के अंदर जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, हमें पता है कि हमने इसको पर्टिकुलर फेज के अंदर डिवाइड कर रखा, लाइक G1 फेज, G1 के बाद S फेज, एंड देन G2 फेज, एंड देन हमारी प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, एंड टेलो फेज। आप सोच रहे होंगे सर आप ये क्यों बता रहे हो, क्वेश्चन तो कुछ और बोल रहे हैं, अभी बताता हूँ मैं ये क्यों बता रहा हूँ बच्चे। यहाँ पे लेकर यहाँ तक जो फेज होती है, आपको सबको पता है कि माइटोटिक फेज होती है, एंड क्या होती है, माइटोटिक फेज देखने को मिलेगी, एंड देन ये वाली जो फेज है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लॉन्ग फेज है, ये होती है इंटरफेज।
अभी थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा कि हम इसका डिस्कस क्यों कर रहे हैं। देखो बच्चों, इंटरफेस के अंदर आपको जो देखने को मिलता है वो डीएनए, हम क्या बोलते हैं, हमें क्रोमेटिन देखने को मिलती है। हमें क्या मिलती है? क्रोमेटिन देखने को मिलती है। क्रोमेटिन क्या होती है? क्रोमेटिन इज अ कंपोजिशन ऑफ व्हाट? डीएनए प्लस, डीएनए प्लस, डीएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या होती है जो डीएनए से बाइंड कर रही है? ये प्रोटीन होती है बच्चों, ये आपकी एक तरह से हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, या हम बोल सकते हैं बेसिक अमाइनो एसिड की बनी हुई है। लाइक आपकी प्रोटीन है लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच, लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होती है, आर्जिनिन अमाइनो एसिड रिच होती है, और इनको हमने डिवाइड कर रखा लाइक एच वन प्रोटीन, एच वन प्रोटीन, एच टू ए, एच टू बी एंड एच थ्री, एंड हमने बोला एच फोर। तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं एक तरह से, ये कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए प्लस में प्रोटीन हम बोल रहे हैं क्रोमेटिन। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्रोमेटिन एक लाइक अपन बोल सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर एक तरह से देखें तो धागे नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी आपको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। अब बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा, आपको बताया कि हमारा पूरा जो बॉडी है इसके अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। अगर हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट की बात की जाए मेरी बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर, तो हमारा जो डीएनए कितना है, 20 पेयर का है, 3 × 10⁻⁹ बीस पेयर का आपका डीएनए है, और मतलब हम सबका डीएनए 3 × 10⁻⁹, ठीक है। एक ह्यूमन डीएनए की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 3 × 10⁻⁹ बीस पेयर का डीएनए कितने से छोटी सी बॉडी के अंदर क्या हो रखा है, फिट हो रखा है। अगर हम देखा जाए तो कितना बड़ा डीएनए है, बट हम बोल रहे हैं कि इस छोटे से ऑर्गेनल्स के अंदर हमारा एक शरीर के अंदर हमारा पूरा डीएनए फिट है। एक मेंढक का डीएनए देखा जाए तो वो भी बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, बट वो एक छोटे से ऑर्गेनल्स के अंदर फिट हो रखा है। लाइक एक इंसेक्ट के अंदर हम डीएनए देखें तो वो भी कोई कम डीएनए नहीं है। एक प्रोकैरियोट्स की बात करी जाए जो हमें दिखता ही नहीं है, तो वहाँ पे भी हम डीएनए देखें तो आपका एक तरह से 4 × 10⁻⁶ बेस पेयर का है, तो बहुत सारा डीएनए है। पर अगर हम देखें तो ये एक तरह से छोटे से ऑर्गेनल्स के अंदर पैक होके बैठा हुआ है, तो ऐसा क्यों? एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करिए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखता, उसका डीएनए कहाँ से दिख रहे हैं, देख पाएंगे अपन? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देख सकते अपन आँखों से। तो सेम वही बात की जा रही है कि यहाँ पे ये, अगर अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटरफेज में क्या है, क्रोमेटिन होती है, एंड आपका माइटोटिक फेज में आपको क्या होता है, क्रोमेटिन की पैकेजिंग हो जाएगी और आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं, देन आपको क्या होगा, ये क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। लाइक अगर मैं बात करूँ जीवन फेज के अंदर, ये एक पर्टिकुलर सेल है, इस जीवन फेज में इस डीएनए से हम क्या बना सकते हैं, आरएनए बना सकते हैं, इससे हम प्रोटीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके प्रोटीन बना रहे तो हमें अमाइनो एसिड चाहिए होता है, अमाइनो एसिड फॉर्मेशन इस स्टेज में कर सकते हैं, एंजाइम फॉर्मेशन इस स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलेगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। एंड एस फेज में आपको रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। जी टू फेज में वापस से आपको आरएनए फॉर्मेशन एंड प्रोटीन फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए है वो एज ए क्रोमेटिन फॉर्म में है, मतलब हम बोल सकते हैं कि लूज फॉर्म के अंदर है। क्या है? लूज फॉर्म है। बट हम देखें यहाँ पे कहाँ पे, एम फेज के अंदर अगर हम देखते हैं तो एम फेज के अंदर बच्चों हमारा क्या होता है, प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड माइटोटिक फेज के अंदर आपको क्रोमेटिन नहीं दिखती है, आपको क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। तो बोलते भी तो है हम कि ऐसी कौन सी फेज है जहाँ पे आपको क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे, तो एम फेज हम बोलते हैं। तो वहाँ पे हमारे क्रोमोसोम दिख रहे हैं, इक्वेटोरियल पर दिख रहे हैं हमारे, या मेटाफेज प्लेट पर हम देख सकते हैं उसको, ठीक है। एना फेज में हमारा सेपरेशन हो जाता है, एंड देन टेलोफेज में हम देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की असेंबली स्टार्ट हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस वापस से रीअसेंबल हो जाते हैं, जो कि डिसअपेयर होते हैं ड्यूरिंग प्रोफेज स्टेज। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारा इतना बड़ा डीएनए था, ठीक है। ये डीएनए अगर हम बात की जाए, यहाँ पे एक हमें क्या बना रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर किसकी है, ये एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर है। ये एक न्यूक्लियोसोम हो गया, ये एक दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ये एक दूसरा न्यूक्लियोसोम है, चलो ठीक है, ठीक है। ये एक दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया। एक और न्यूक्लियोसोम बनाना चाहूँ तो ये देखो एक और न्यूक्लियोसोम है, ये लो। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डीएनए की, ये देखो ये एक डीएनए, यहाँ पे देखो क्या पैकेजिंग हो रही है, यहाँ पे क्या ये पैकेजिंग हो रही है इस डीएनए की, क्या इस डीएनए की पैकेजिंग हो रही है, देखो ये लो,
तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो बच्चों अगर अपन देखते हैं तो देखो बच्चों ये एक तरह से जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाई है इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, इसको मैं यूं भी बना सकता हूँ, लाइक आपके बुक में ऐसे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ये देखो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाई है ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, न्यूक्लियो न्यूक्लियोसोम है ये। अब इस न्यूक्लियोसोम की बात की जाए बच्चों तो इस न्यूक्लियोसोम में अंदर क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है कौन कौन सी, H2A H2B H3 एंड H4, मतलब ये क्या होता है ऑक्टामर फॉर्म करके बैठी हुई है, मतलब इनकी दो दो सब यूनिट है H2A H2B H3 एंड H4। सेम एज वेल एज इस न्यूक्लियोसोम के पास भी होगी, सेम एज वेल एज इस न्यूक्लियोसोम के पास भी होगी, सेम एज वेल एज अगर आगे अपन डीएनए लेके जाते हैं तो आगे डीएनए के पास भी, आगे वाले डीएनए के पास भी होगी। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि डीएनए पैक्ड फॉर्म में है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूँ बच्चों तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक पूरा वायर दिख रहा है, ये बड़ा वायर है या नहीं है, ठीक है। ये अगर अपन देखें बच्चों तो देखो कितना बड़ा वायर है ये देखो, बट अगर मैं बात करूँगी लाइक आप इसको समझो कि मेरा डीएनए है, ये डीएनए है और मेरे को इस डीएनए को पैक करना है, मेरे को डीएनए को पैक करना है, और समझो कि ये एक तरह से न्यूक्लियोसोम है, तो इस न्यूक्लियोसोम के ऊपर क्या मैं इसको पैक कर सकता हूँ, क्या मैं इसको पैक कर सकता हूँ, डेफिनेटली ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे तो कितना बड़ा है पर अगर मैं इसके ऊपर फोल्ड कर रहा हूँ तो ये देखो एक तरह से फोल्डिंग ले रहा है। तो ये क्या है, अगर अपन देखें न्यूक्लियोसोम के ऊपर डीएनए भी एक तरह से क्या होता है बच्चों, फोल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। लाइक अगर अपन देखें ये आप मेरा हाथ को न्यूक्लियोसोम समझ लो, ये मेरा डीएनए समझ लो, तो ये देखो एक पैकेजिंग, एक राउंड वन राउंड ले लिया इसने, ये सेकेंड राउंड ले लिया इसने, ये थर्ड राउंड ले लिया, ये फोर्थ राउंड ले लिया, तो हमारे डीएनए की एक तरह से क्या हो गई बच्चों, यहाँ पे पैकेजिंग हो गई है, ये देखो पैक्ड हो गया हमारा डीएनए न्यूक्लियोसोम के ऊपर। पहले क्या था, पहले देखो कितना बड़ा था, ये देखो ये देखो, अगर मैं क्रोमेटिन अगर इसको लूज फॉर्म में करता हूँ तो देखो कितना बड़ा है। तो डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है बच्चों, न्यूक्लियोसोम चाहिए होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम के ऊपर चारों तरफ क्या होता है, ये एक तरह से हम देखे जाए तो हमारे डीएनए क्या होता है, रैप फॉर्म में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डीएनए है, जो अंदर वाला डीएनए है, इसको मैंने बोला है क्या, कोर डीएनए, कोर डीएनए जो पैक्ड फॉर्म के अंदर बैठा हुआ है, और ये वाला डीएनए कौन सा है, लिंकर डीएनए जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में है। यहाँ पे एक और प्रोटीन प्रेजेंट होती है बच्चों, यहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन को मैं बोलता हूँ H1 प्रोटीन। H1 प्रोटीन बाइंड विथ लिंकर डीएनए, H1 प्रोटीन किससे बाइंड करके बैठी हुई है, लिंकर डीएनए से बाइंड करके बैठी हुई है, ठीक है। एंड कोर के अंदर, न्यूक्लियोसोम कोर के अंदर कौन कौन से प्रोटीन है, H2A H2B H3 एंड H4, और ये भी क्या होगी, डाइमर फॉर्म में होगी, H2A की दो प्रोटीन होगी, H2B की भी दो होगी, ठीक है, H3 भी दो होगी एंड H4 भी दो होगी। तो एक तरह से हम देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से बच्चों ये ऑक्टामर फॉर्म कर रहे हैं, क्या ऑक्टामर, 8 सब यूनिट है यहाँ पे न्यूक्लियोसोम के अंदर, तो ऑक्टामर फॉर्म करके बैठे हुए हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन ने यही तो बोला था कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर कॉल्ड दैट गिव एन अपीयरेंस एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग इन द क्रोमोसोम व्हेन व्हेन व्यू अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो देखो बच्चों की बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, तो बीड्स क्या है, आपकी न्यूक्लियोसोम है, तो बीड्स है, स्ट्रिंग क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, आपका डीएनए है। लाइक अगर एक क्रोमोसोम की बात की जाए ना बच्चों, अगर अपनी क्रोमोसोम की बात करें तो देखो बच्चों एक क्रोमोसोम, ये देखो ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहा है, इस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के अंदर आपका जो डीएनए है वो बहुत ही कंडेंस फॉर्म में है, ये देखो ये डीएनए बहुत कंडेंस फॉर्म में बैठा हुआ है, ठीक है, ये कंडेंस फॉर्म है, ये लूज फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम कंडेंसेशन करवाना है तो हमें क्रोमोसोम की पैकेजिंग करनी है, तो पैकेजिंग क्यों कैसे होगी, पैकेजिंग कैसे होगी बच्चों, तो विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोसोम, ये देखो ये एक तरह से पैकेजिंग हो रही है, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, एक तरह से न्यूक्लियोसोम देखने को मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे कि एक तरह से हमारा जो बीट्स और नेस्टिंग की स्ट्रक्चर कौन शो करके जा रहा है, जीन्स कर रही है, बिल्कुल भी नहीं, जीन्स तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये देखो यहाँ पे देखने को मिल सकती है जीन्स, ठीक है। क्या न्यूक्लियोटाइड्स कर रहे हैं, डीएनए एक तरह से क्या है, न्यूक्लियोटाइड एक तरह से क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए बना रहे हैं या आरएनए बना रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो गए। बेस पेयर क्या होते हैं, एक डीएनए के ऊपर अगर एक एडेनिन है और एक थायमिन ने आपस में पेयरिंग कर रखी है, सिंगल एडेनिन को मैं न्यूक्लियोटाइड बोलूंगा, और अगर इन्होंने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है एडेनिन एंड थायमिन ने, तो ये एक तरह से क्या हो जाएंगे, बेस पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया आंसर, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर, न्यूक्लियोसोम सी इज ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए बच्चों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए व्हाट इज सेंट्रल डोगमा। तो बच्चों आपको पता है कि जब भी अगर अपन देखें व्हाट इज सेंट्रल डोगमा, तो एक मैं सेल बना रहा हूँ यहाँ पे, इससे समझते हैं अपन सेंट्रल डोगमा क्या होता है। हमें पता है सेल के अंदर क्या होगा प्रेजेंट, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है सेल के अंदर? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके कौन बैठा हुआ है? डीएनए। कौन है यहाँ पे? डीएनए। अब इस डीएनए का मैं क्या करवाता हूँ बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। क्या करवाऊँ? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करके बच्चों मैं क्या बना सकता हूँ इससे? एमआरएनए बना सकता हूँ या आरएनए बना सकता हूँ। डेफिनेटली ये एमआरएनए बाद में कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में। ये एमआरएनए कहाँ आया? साइटोप्लाज्म में। ये क्या था? ये तो था हमारा न्यूक्लियस और ये क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म। अब बच्चों देखो ये एमआरएनए क्या हो गया? बाहर आया। इस एमआरएनए का फिर क्या होगा बच्चों? फर्दर ट्रांसलेशन। क्या होगा? ट्रांसलेशन। अब देखो बच्चों ट्रांसलेशन देखो बच्चों ट्रांसलेशन के टाइम पे क्या होता है कि इस एमआरएनए के ऊपर कौन बाइंड करते हैं? आपकी एक तरह से राइबोसोम बाइंड करेंगे एंड देन क्या करेंगे? एक तरह से ये क्या करेंगे? प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। क्या फॉर्मेशन करेंगे? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। ओके तो मतलब हम बोल रहे हैं कि यूनि डायरेक्शनल प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन रही है। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों डीएनए, इस डीएनए से मैं क्या बना रहा हूँ? ट्रांसक्रिप्शन करके। क्या करके? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करके मैं क्या बना रहा हूँ? एमआरएनए। और इस एमआरएनए से मैं क्या बना रहा हूँ? ट्रांसलेशन करके प्रोटीन। क्या बना रहा हूँ बच्चों? प्रोटीन। तो इस को जो ये जो मॉडल किसने दिया था? ये एक मॉडल दिया था हमारा किसने? प्रपोज्ड बाय एफएचसी क्रिक। किसने दिया था? एफएचसी फ्रांसिस क्रिक ने दिया था 1958 में। और इस मॉडल को हमने बोला था क्या? सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा, ठीक है। या हम बोल रहे कि डीएनए से हम क्या बना रहे हैं? डीएनए बना रहे हैं। तो हमने बोला था इसको क्या? रेप्लिकेशन। तो फ्रांसिस एफएचसी क्रिक, फ्रांसिस क्रिक 1958 ने क्या बताया था कि डीएनए से एमआरएनए बना सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से ड्यूरिंग ट्रांसलेशन हम क्या बना सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। बट क्या है ये जो आपकी जो मॉडल था ये ओनली फॉर ओनली किसके लिए था? पी के लिए एलिजिबल है, म्यूकर के लिए भी अप्लाई होता है एंड क्लैमाइडियम मोनास के लिए भी एप्लीकेबल है। बट एचआईवी की बात की जाए, ह्यूमन इम्यून डिफिशेंसी वायरस, तो अगर अपन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की एचआईवी की बात की जाए तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चों वो क्या होता है? आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। तो हमारे क्या थे दो साइंटिस्ट और थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? टैमिन एंड बाल्टीमोर। टैमिन एंड बाल्टीमोर, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बस एक छोटा सा चेंज क्या किया, इन्होंने बोला कि डीएनए से आप क्या बना रहे हो? एमआरएनए बना रहे हो। डीएनए से आप क्या कर रहे हो? एमआरएनए बना रहे हो। और एमआरएनए से आप क्या कर रहे हो? प्रोटीन बना रहे हो। सही बात है, अच्छी बात है, हम मानते हैं इसको। बट इन्होंने बोला कि मैं क्या कह रहा हूँ कि एमआरएनए से भी आप क्या कर सकते हो? डीएनए बना सकते हो। एमआरएनए से आप डीएनए बना सकते हो, इस प्रोसेस को आप बोल दो बस क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को उल्टा कर दो, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके आप एमआरएनए से डीएनए बना सकते हो। और ये कहानी कहाँ चल रही होती है? ये कहानी चल रही होती है रेट्रोवायरस के अंदर। किसके अंदर चल रही होती है? एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है रेट्रोवायरस, या हम बोल सकते हैं क्या? एग्जांपल हम बोल सकते हैं क्या? आपका एचआईवी वायरस, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ठीक है, आपका एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है? एचआईवी के अंदर क्या होता है? एचआईवी के अंदर आपका क्या चल रही होती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही होती है। यहाँ पे एमआरएनए डीएनए के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एंड देन
प्रोसेस का नाम क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या हमने बोला है कि इसको किसने दिया था, टामिन एंड बाल्टीमोर ने, तो इन साइंटिस्ट के नाम पे इसको हमने बोला और क्या, टामिनिज्म। क्या बोला बच्चों, टामिनिज्म, इसको हम बोलते हैं टामिनिज्म, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो सेंट्रल डॉगमा HIV वायरस, जिसके पास RNA जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे DNA से mRNA नहीं बना रहे, mRNA एज ए ट्रांस आपका क्या है, एक तरह से जेनेटिक मटेरियल है, लाइक आपका रेट्रो वायरस, HIV वायरस। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि mRNA से हम क्या बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, आप mRNA से DNA बना सकते हो, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टामिनिज्म। सो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्या बोल रहा है, द 3' and 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंक इज इनसाइड ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सर्व टू जॉइन। ओके बच्चों देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या करा बच्चों, एक शुगर ली, ये मेरी एक शुगर है, एंड यहाँ पे क्या है, अगर अपन देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा, नाइट्रोजनस बेस ऐड है, बेस मतलब हम बोल सकते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है DNA की, तो मैं बोल सकता हूँ एडेनिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, या साइटोसिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे क्या है, DNA है तो डीऑक्सी है, राइबो शुगर है, तो यहाँ पर H होगा, और यहाँ पे क्या होगा, OH होगा, और यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप है, CH2 O P O P O P and O, ये आपके फॉस्फेट हैं, तीन फॉस्फेट ग्रुप होते हैं हमारे, ठीक है। ये आपने फॉस्फेट की बैलेंसिंग पूरी कर ली है, एज वेल एज देखो बच्चों यहाँ पे भी एक, ये देखो ये भी आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड ही बना रहा हूँ, सेम टू सेम यहाँ पे भी बेस प्रेजेंट है, बेस में आपका एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे भी एच है, एंड देन यहाँ पे क्या है, ओ एच है, एंड देन यहाँ पे क्या है, CH2 O P O P O P and O, अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो फॉस्फेट है ना, इस वाले फॉस्फेट को बोलते हैं हम अल्फा फॉस्फेट, इसको बोलते हैं हम क्या, गामा फॉस्फेट, इसको बोलते हैं हम गामा बीटा फॉस्फेट, एंड इसको हम बोलते हैं गामा फॉस्फेट, अल्फा बीटा एंड गामा फॉस्फेट। अब देखो बच्चों ने बोला है कि 3' and 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, तो देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं, एक तरह से इसको OH को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H और O यूँ करके लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के टाइम पे, देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कि ये देखो ये हाइड्रो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो इस फॉस्फेट आपका ये बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, फॉस्फेट एंड फॉस्फेट के बीच में, अल्फा फॉस्फेट एंड बीटा फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, ठीक है, दो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होते हैं, एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड होता है। देख अगर अपन देखें स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपके शुगर एंड अल्फा फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, अल्फा एंड बीटा के बीच में, एंड बीटा एंड गामा के बीच में, गामा फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन देखो कहाँ आ गया, इसके पास आ गया, इस ओ एच इस ओ के पास में आ गया, तो क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा ओ पी ओ पी ओ एच, एंड देन ये आपकी बैलेंसिंग हो गई, ये तो रिलीज हो गया। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मैंने बोला दो फॉस्फेट है, इसको मैंने बोला पायरो फॉस्फेट, तो मैं क्या बना रहा हूँ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो ये पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गया। अब देखो बच्चों इस ऑक्सीजन ने, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अब इसकी एक बैलेंसिंग खत्म हो गई, किसकी, फॉस्फेट की, तो इस बैलेंसिंग को पूरी करने के लिए ये ऑक्सीजन है ना, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस फॉस्फेट के साथ में एक बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर मैं लिख देता हूँ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, PDB बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा है कि अगर हम देख रहे हैं कि द 3' and 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मतलब यहाँ पे क्या है 3', ये देखो ये 3' है, 3' पर OH है, ये क्या है बच्चों 3' है, इस 3' पर अगर ये देखा जाए तो ये 3' है, इस 3'
पर हमने क्या देखा OH है, और ये क्या है बच्चों, ये वाला क्या है, ये क्या है 5 प्राइम पर क्या है फॉस्फेट है, 3 प्राइम पर क्या है OH है। ये आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं, ये बॉन्ड क्या कौन सा हो गया फॉस्फेटाएस्टर बॉन्ड, और इसके थ्रू क्या हो रहा है एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ, ये भी न्यूक्लियोटाइड है ये भी न्यूक्लियोटाइड है, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में लिंक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फेटाएस्टर बॉन्ड। तो ये हमें देखना है यहाँ पे कि द 3 प्राइम एंड 5 प्राइम फॉस्फेटाएस्टर लिंक इज इनसाइड ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सर्व टू जॉइन वन डीएनए स्ट्रैंड विद द अदर डीएनए स्ट्रैंड। नहीं, डीएनए स्ट्रैंड थोड़ा है, ये तो अपना न्यूक्लियोटाइड है, वन न्यूक्लियोसाइड एंड अनदर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं, गलत हो गया, वन न्यूक्लियोटाइड टू अनदर न्यूक्लियोटाइड सही बात है, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच कर रहे हैं, सी इज अ करेक्ट आंसर। वन नाइट्रोजनस बेस विद पेंटोज शुगर, रॉन्ग, ठीक है, वन नाइट्रोजनस बेस एंड आपके पेंटोज शुगर के बीच में ये बॉन्ड है ना बच्चों, ये वाला ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, सो यहाँ पे सी इज अ करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकुलर एंटिटीज इज ट्रू। ओके बच्चों देख लेते हैं, साइटोमियर इज फाउंड इन एनिमल सेल विच प्रोड्यूसेस एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके साइटोमियर की बात की जा रही है बच्चों, तो साइटोमियर क्या होता है, जो क्रोमोजोम को सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोजोम, ये आपका क्या है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्या है सेंट्रोमियर है बच्चों, ये सेंट्रोमियर है, और एस्टर की बात की जा रही है, एस्टर कहाँ से फॉर्मेशन लेते हैं, अगर अपन एक सेल डिवीजन की बात करते हैं, एक सेल डिवीजन की बात की जाती है, यहाँ पर सेंट्रियोल है, अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है, तो हमें पता है कि यहाँ पे नाव में अपने ये क्या है क्रोमोजोम होंगे, यहाँ पे ये क्रोमोजोम है, ठीक है, तो बच्चों क्रोमोजोम के ऊपर यहाँ पे क्या होता है काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है सेंट्रियोल, अगर देखा जाए तो आपके जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के ऊपर क्या होता है यहाँ पे काइनेटोकोर होते हैं, क्या होते हैं मैं लिख देता हूँ काइनेटोकोर, इस काइनेटोकोर से क्या होता है स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, तो लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये देखो एक स्पिंडल फाइबर है, तो ये जो स्पिंडल फाइबर जो अटैच हो रहे हैं काइनेटोकोर से, तो ठीक है जो ये अटैच हो रहे हैं तो इसको हमने बोला काइनेटोकोर, ये जो एक तरह से हम स्पिंडल को देखें तो स्पिंडल भी आपके किसके बने हुए होते हैं माइक्रोट्यूबल के बने होते हैं, तो इसको हमने बोला काइनेटोकोर माइक्रोट्यूबल। एंड बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे होते हैं जो अटैच नहीं होते किसी से भी, एंड देन इनको हम क्या बोलते हैं जो किसी से भी अटैच नहीं हो रहा है उसको हम बोलते हैं पोलर माइक्रोट्यूबल, क्या बोलते हैं हम पोलर माइक्रो ट्यूब्यूल्स। एंड बच्चों जो अपोजिट साइड में देखने को मिलते हैं हमारे को अपोजिट साइड में यूं, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके एस्टर माइक्रोट्यूबल, ये क्या होता है एस्टर होते हैं, ये होते हैं एस्टर, तो ये एस्टर कहाँ से अराइज हो रहे हैं, ये हमारा क्या है सेंट्रियोल, क्या है सेंट्रियोल से नॉट सेंट्रोमियर, तो ये सेंट्रियोल से होंगे, तो यहाँ पे ना कि सेंट्रोमियर से, तो ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग हो गया। देन इन्होंने बोला द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल। डेफिनेटली देखो बच्चों जो आपकी एक पर्टिकुलर एक सेल की बात की जाती है या हम बात कर रहे हैं पूरी सेल की, तो आपकी जो जीन होती है ना इंसुलिन जीन, ये है तो पूरी बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर है, बट एक्सप्रेस सब जगह नहीं होगी, समझ में आ रहा है कि अगर हम देखें हमारे बॉडी के अंदर, अगर हमारे हर एक सेल के अंदर हम इंसुलिन की जीन देख लेंगे, बट क्या वो एक्सप्रेस होगी उन सेल के अंदर, नहीं, ये पैनक्रियाज के अंदर ही एक्सप्रेस होगी, बट ऐसा नहीं है कि ये हम बोलो कि सारे सेल के अंदर हो जाएगी, मिलेगी सब सगे, तो ये सही बोल रहे हैं कि आपका द जीन फॉर द प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी सेल, बट एक्सप्रेस कहाँ हो रही है एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही, ठीक है सारे सेल में मिलेगी पर एक्सप्रेशन सब में नहीं देगी, तो बी सही है। न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नहीं ये न्यूक्लियोटाइड का नहीं होता है, ये ऑक्टामर का बना हुआ होता है, किसका बना होता है ऑक्टामर का, ऑक्टामर में क्या होते हैं हिस्टोन प्रोटीन होती है H2A, H2B, H3 एंड H4, तो ये आपकी हिस्टोन प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन है हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन का बना है, तो रॉन्ग हो गया ये भी स्टेटमेंट, ये भी रॉन्ग हो गया। डीएनए कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ 8 हिस्टोन, तो डीएनए अगर हम बात करें डीएनए कंसिस्ट ऑफ कोर ऑफ 8 हिस्टोन, नहीं डीएनए कंसिस्ट नहीं करता, ये कौन कंसिस्ट करता है न्यूक्लियो
न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट करता है, लाइक अगर हम बात कर रहे हैं एक न्यूक्लियोसोम की, ये देखो एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर मैं नॉर्मल ऐसे दिख रहा हूँ, तो इस न्यूक्लियोसोम के अंदर ये आपके क्या होंगे, एक आपके क्या होंगे हिस्टोन होंगे, लाइक एच टू ए, एच टू बी, एच थ्री, एच फोर, और यहाँ पे क्या होता है हमारा डीएनए, क्या होता है कोर के अंदर डीएनए एक तरह से हमारे क्या होता है रैप फॉर्म में इसकी पैकेजिंग हो रही होती है। तो न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट करता है कोर ऑफ 8 हिस्टोन, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम के अंदर यहाँ पे देखेंगे कोर के अंदर आपकी 8 हिस्टोन होती है, और एक आपकी क्या होती है जो डीएनए जो बाहर के साइड जो प्रोटीन अटैच होती है वो जो लिंकर से अटैच होती है वो होती है H1, ठीक है। अंदर जो डीएनए होगा उसको कोर डीएनए बोलेंगे, बाहर जो डीएनए है उसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए, और लिंकर डीएनए से जो प्रोटीन अटैच होती है उसको बोलते हैं H1 प्रोटीन, क्या बोलेंगे बच्चों H1 प्रोटीन। तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, तो बी इज़ ए करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए।